परिवार से तुम भी कर दो अमल जिस पे हम पे कर दो अमल जिस पे हम भी कर दो अमल उस पे हम पे कर दो अमल उस पे हो जाओ मेहरबान तुम भगवती भगवान की करो परिवार से कीर्तन होता है अकेले में संकीर्तन होता है सबको संग में लेकर संतों का संग कहलाता है सत्संग। एक बार दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए आपके। देखिए जिस दास की पीठ है इसकी तरफ ये उसकी भी झोलियां भरती है और जो बाहर से झोली दिखाएगा तो क्या माँ झोली नहीं भरेगी साथ। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो मानते हैं वो कह दो क्या सोचिएगा कि दास आपकी तरफ नहीं देख रहा तो ताड़ियां बजनी आपकी बंद हो जाएंगी। ये सबको देख रही है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख के क्या फल कर्मों का जैसी करनी। बड़ा छोटा सा शब्द है बोलो बोलो, जैसा बोगे वैसा ले जाओगे सब। आज यहाँ चुपचाप बैठोगे माफ करना, एक दिन हमने भी इसके दरबार पे जाना है अगर वो चुपचाप बैठ गई। आज हमारे लिए दूसरे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अगर उस दिन उसके लिए हो गए हम कहाँ जाएंगे सब। हम उसे देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन उसने देखना छोड़ दिया हमारा कुछ बचना नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के गया तो क्या लक्ष्मी लाखो बनाए लक्ष्मी लाखो बनाए तुम मेरी भक्ति रहो, लक्ष्मी लाखो बनाए तुम मेरी भक्ति रहो। अच्छा।